आप जितने ज्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे, इतने ज्यादा चांस है कि आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप हमारी मानो तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक न एक बार इस दुनिया और लोगों से कट के कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर यानी गायब हो जाना चाहिए। और हो सकता है कि आप ऐसे ना हो, लेकिन बाकी लोगों की फितरत होती है अपनी सक्सेस की खुशी से ज्यादा लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बड़ी जेलेसी होती है। ये एक नेशनल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है। क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं हर एक चीज में, फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, हर किसी को सबसे टॉप का दर्जा चाहिए। और जो इनसे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा होता है वो इसे पकड़ के खुद से नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको कुछ टाइम के लिए डिसअपीयर यानी गायब होना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत। कोई आपको फीडबैक देने वाला नहीं है और ना ही कोई अप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही कोई क्रिटिसाइज करेगा। आप जो हो बस खुद हो, एकदम अकेले, एक शैडो की तरह जो अपने आप को दिन रात अपग्रेड करने में लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि आप अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, और जब लोग आपको इस ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ देखेंगे तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। दुनिया से डिसअपीयर होकर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके तीन फेज हैं। पहला, डिसअपीयर होना। दूसरा, वर्क अलोन, एक शैडो की तरह काम करना। और आखिर में अपने ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ रीअपीयर होना। अगर आप इनमें से एक भी फेज में चुक गए, खासकर ये लास्ट वाले फेज में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इस बात का रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। तो सबसे पहले डिसअपीयर होने का सही तरीका क्या है? अपना मुंह बंद रखो। अमेरिकन पैस्टर, बिजनेसमैन एंड ऑथर का कहना है कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी आप सिर्फ अपने बोले गए लफ्ज और जुबान से अपनी दुनिया बदल सकते हो। क्योंकि आपकी जुबान आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए आपको सबसे पहले इसे कंट्रोल में करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, क्या प्लान है तेरे, तो आपको बस सिंपली कहना है कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ की हर एक इम्पोर्टेंट डिटेल आपको छुपा के रखनी है, यूं ही शेयर नहीं करनी। अपना ओपिनियन या अपने व्यूज भी शेयर करना बंद कर दो। एकदम चुप, शांत और सिक्रेटिव हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। कोई आपको देखे तो इसके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए आप एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वो सॉल्व नहीं कर सके। आजकल लोग काम बाद में स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पोस्ट्स में लोगों को बताना पहले स्टार्ट कर देते हैं, सक्सेस बाद में अचीव करते हैं, सक्सेसफुल कोर्स या स्टोरीज पहले ही लगाने लग जाते हैं, और ये शो करते हैं लोगों को कि वो क्या सोचते हैं और इन्हें कैसी लाइफ चाहिए और इनके गोल्स क्या है। अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी को जाके ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप गायब होने वाले हो। आप अपने ऊपर काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। किसी को कुछ नहीं बताना, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स सब शामिल है। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल के टाइम से ही इंफॉर्मेशन को शेयर करना हमारी नेशनल टेंडेंसी रही है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। आपको अपने थॉट्स को जुबान तक पहुंचने नहीं देना। जो है सिर्फ आपके माइंड में है, वही किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करनी है जो कि है ओनली केयर व्हाट यू थिंक। सिर्फ इस पे ध्यान दो कि आप क्या सोचते हो। एक खोज की तरह गायब रहने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो यही कि कोई आपके बारे में इतना सोचता नहीं जितना शायद आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे। क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है सोचने के लिए, जिसमें वो बिजी रहते हैं, बट आप स्पॉटलाइट इफेक्ट में ट्रैप होकर रह जाते हो। स्पॉटलाइट इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जहां आपको लगता है कि सब आपको ही नोटिस कर रहे, लेकिन एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। ये सोचते हुए कि सबकी नज़र आप पर ही है, आप जो भी एक्शंस लेते हो वो इन लोगों को इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने या कुछ प्रूफ करने के लिए होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें भी फेल हो जाते हो। आपको अपने माइंड में एक ऐसा परसोमा क्रिएट करना है जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों का पूरा नहीं चाहता, बस वो दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस देता है, खुद की हैप्पीनेस की, खुद के गोल्स की, खुद की थिंकिंग और खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है। ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होने वाला है। आपको कई लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, कई लोगों को खुद से दूर करना पड़ सकता है, बट ये इस पूरे प्रोसेस का ही एक पार्ट है। दूसरों का पपेट या कठपुतली कम बनना है और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए
ये स्टेप तो लेना होगा। आपको अपना दर्द, मेहनत, आंसू, खून पसीना और अपना हर एक फेलियर लोगों से छुपा के रखना है। लोगों को दिखनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और ग्रोथ। आपकी लाइफ की क्या जर्नी रही, आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितना खून पसीना बहाया, आपके क्या प्लान्स थे, इन सब बातों की इज्जत लोग तभी करेंगे जब आपने इस रास्ते पर चल के सच में कुछ अचीव कर लिया होगा। याद रखना, लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं। क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है और दुख भी हर किसी की जिंदगी में है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट करा तो वो इससे पहले हजार बार फेल हो चुके थे, पर आज लोग इन्हें इनके हजार फेलियर की वजह से नहीं जानते, इन्हें लोग इनकी एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी है। चुपचाप इन पे काम करते जाओ। काम करने से प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। थोड़ी सी प्रोग्रेस कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमाना या अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छा कर लेना या फिर जा जाके दुनिया को बताना कि देखो आपने क्या कर लिया, ये समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा करके आप अपनी सेल्स वर्थ गिरा रहे हो। आप बस एवरेज से अबव एवरेज बन के प्राउड फील कर रहे हो, जबकि सच तो ये है कि आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। घोस्ट मोड कैनोप या मॉग मोड, ये जो भी मोड है जहाँ आप दुनिया से छुप कर काम कर रहे हो, ये इतना आसान नहीं होगा। आपको फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी और आपका खून पसीना बहेगा और कई बार रोना भी आएगा। आप बहुत ज्यादा फेल भी होंगे, लेकिन आपको किसी को भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि वो आप पे तर्स खाएं। आपका गोल इन्हें अपना ये फेलियर नहीं दिखाना बल्कि अपनी सक्सेस से चौंकाना है। एक बात हमेशा याद रखना, 100 फेलियर को छुपाने के लिए एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ तो इसका मतलब है आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और खुद को सच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये करना है। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्या है जिसे करके आप कह सकते हो कि हाँ मैंने अब लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है। क्या वो डिग्री है या कोई बिजनेस, कोई पैशन या कोई पर्सनल गोल, आपकी लुक्स है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसे आप ठीक करने के लिए डिसअपीयर हो रहे हो। जरूरी नहीं वो सिर्फ एक चीज हो, और एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस जरूरी है कि आपका गोल आपकी आंखों के सामने एकदम क्लियर हो। आपकी पूरी लाइफ उन्हीं टारगेट्स के अराउंड होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट विनर बनना है तो अपने दिन का हर एक घंटा इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए सेट कर लो। आपको अपने गोल्स को लेकर इतना सीरियस हो जाना चाहिए कि आपको इन गोल्स के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। कोई दोस्त नहीं, सोशल मीडिया नहीं, गेमिंग नहीं, मूवीज वगैरह नहीं, सब कुछ बंद करना होगा। आप खुद इमेजिन करो, एक फाइटर है जो दिन के 14 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है और इसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी का सारा काम करने के लिए। वही दूसरा फाइटर है जो 8 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी के 8 घंटे अपनी लाइफ एंजॉय करता है। अब आप खुद बताओ, इन दोनों में अगर फाइट करा दी जाए तो किसके जीतने के ज्यादा चांसेस होंगे? बहुत आसान है, पहले वाले फाइटर के सामने दूसरे वाले का टिकने का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि इसका इनपुट ही इतना ज्यादा है तो आउटपुट तो ज्यादा होगा ही। इस फाइटर को सिर्फ वही हरा सकता है जिसने खुद को इससे भी ज्यादा ट्रेन किया हो। जब आपका ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाए, जब आप अनबिलीवेबल बन जाओ, तब आप दुनिया के सामने वापस आ सकते हो, यानी रीअपीयर हो सकते हो। बट यहाँ कुछ मजेदार होगा, जो कि है जब आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, मेंटली वाइज फिजिकली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपको सोसाइटी में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। आपको रियलाइज होगा कि अब आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आपको अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स किसी को जताने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको वापस आने की परवाह ही नहीं होगी, आप इन शैडोज के साथ ही एक हो जाओगे। आपकी लाइफ आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना छोटा सोचा था। आप तो अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो, लेकिन बड़े बनने की ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। आप अपने आप को और बड़े और बेहतर गोल्स की तरफ पुश करते रहोगे और आप सबके लिए एक मिस्ट्री की तरह बने रहोगे। आपको शेडोज में एक सुकून मिलेगा और आपको एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से भी ज्यादा फुलफिलिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।